मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 10 अप्रैल 2018 को रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने आज तक का दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल का इमेज अनाउंस किया है। इस ब्लैक होल का नाम है मेसियर 87 और ये वर्गो ए गैलेक्सी के बिल्कुल बीच में है। इसको डेवलप करने की शुरुआत अप्रैल 2017 में हुई थी, जिसमें पूरे अर्थ पे मौजूद मेजर रेडियो टेलीस्कोप्स को इन्वॉल्व किया गया और इन टेलीस्कोप का नाम दिया गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अब सवाल यह उठता है कि जब हमको पता है कि ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं और मौजूद हैं, तो इनका इमेज इतने लेट में 2019 में क्यों डेवलप हुआ? जब 2017 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो 2 साल क्यों लग गए इस इमेज को डेवलप होने में? इसके पूरे डिटेल्स जानने के लिए देखें हमारा पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के एक बिल्कुल नए एपिसोड में एक शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। अब हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है, इतने विशाल काय ब्लैक होल बहुत ही रेयर होते हैं और साथ ही आज तक के हम ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में सिर्फ थियोरेटिकली ही जानते थे। ये इमेज प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ब्लैक होल डज एग्जिस्ट। जनरली माना जाता है कि हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है। हमारी ही गैलेक्सी के बीच में 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी में एक ब्लैक होल उपलब्ध है, पर यह ब्लैक होल काफ़ी छोटा है। मेसियर 87 हमसे 54 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी में है और यह हमारे पृथ्वी से 3,30,00,000 गुना बड़ा है। ये लगभग लगभग हमारे सौर मंडल, हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा है। कुछ समय ले लीजिए इस बात की विशालता को समझने के लिए। जनरली ब्लैक होल बहुत सारे स्टार्स के बीच में होता है, बहुत सारे मैटर के डेंस क्लाउड के बीच में होता है, तो उसका क्लियर व्यू मिल पाना मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्लैक होल का ये जो लाइट हमें दिख रहा है वो पहली बार देखने को मिला है। एक्चुअल बात तो ये है कि ये जो दिख रहा है वो एक्चुअल लाइट है ही नहीं। हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स ने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिकॉर्ड किया है और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिकॉर्ड करने के बाद एक एक फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअली कलर असाइन करते हुए उसको इमेज डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर एक्चुअल ब्लैक होल के पास जाएंगे तो आपको कोई कलर या फिर कोई लाइट नहीं दिखेगा। आपको एक्चुअल में एक लाइट दिखेगा, जैसा कि हमारा सूर्य चमकता हुआ दिखता है, लेकिन आपको बीच में एक ब्लैक शेडो भी दिखेगा जो एक्चुअल में ब्लैक होल है। अब यहाँ पर नया यह हुआ है कि ब्लैक होल के शेडो वाले पार्ट का इमेज इतने डिटेल में पहली बार लिया गया है। शेडो जो कि एक्रेशन डिस्क के बीच में होता है, एक्रेशन डिस्क मतलब जो ग्लोइंग लाइट वाला जो डिस्क होता है उसके बीच में होता है, उसका इमेज पहली बार इतने डिटेल में लिया गया है। एक्रेशन डिस्क वह जगह होता है जहाँ पर मैटर्स बहुत ही तेज़ी से ब्लैक होल के अंदर जाते रहते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर एक रोशनी की चमक बन जाती है। साइंटिस्ट ने आज तक के थ्योरेटिकली जो भी ब्लैक होल के बारे में सोचा था, ये थ्योरी की पुष्टि यह इमेज कर रहा है। इससे साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी में बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। इस इमेज को डेवलप करने के लिए हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट को ये रेडियो वेव्स बहुत बारीक डिटेल्स में चाहिए थे। ये काम पूरी दुनिया का कोई भी टेलीस्कोप अकेले नहीं कर सकता था, तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे वो पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद मेजर रेडियो टेलीस्कोप को कंबाइन किए। सभी रेडियो टेलीस्कोप ने भारी मात्रा में आ रहे रेडियो फोटॉन्स को कैप्चर किया। अब क्योंकि ये टेलीस्कोप अलग अलग कोनों में मौजूद थे, तो सभी में एक डिस्टॉर्शन, एक पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन आ गया, जिसकी वजह से हर डेटा हल्का हल्का अलग हो गया। इन सारे डेटा को एटॉमिक क्लॉक के प्रिसिशन से साइंटिस्ट ने कंबाइन करके रिमूव किया। इस प्रोजेक्ट की नींव 2012 में ही रख दी गई थी और इसका नाम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप दिया गया था। दुनिया भर के 200 साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट में जुड़कर हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाया। इस इमेज टेकिंग प्रोसेस की शुरुआत अप्रैल 2017 में ही हो गई थी। अब फैक्ट बात तो ये है कि ये पूरा इमेज का जो डेटा है वो 3 दिनों में ही कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन ये डेटा इतना विशाल काय अमाउंट में था, ये डेटा इतना ज़्यादा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा डेटा 5 पेटाबाइट्स का था। अब 5 सुन के तो छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू को हम समझने की कोशिश करते हैं। 1 पेटाबाइट मतलब लगभग 1000 TB, 1 TB मतलब लगभग 1000 GB, मतलब 1 पेटाबाइट्स लगभग
10 लाख जीबी के बराबर होता है। 5 पेटाबाइट्स मतलब 50 लाख जीबी का डेटा हमारे पास उपलब्ध हो गया। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, 5000 टीबी, हम में से बहुत लोगों के पास 1 टीबी का एक हार्ड डिस्क होगा, तो आप इमेजिन कीजिए कि 5000 1-1 टीबी के हार्ड डिस्क आपके पास इकट्ठे हो गए हैं। अब इतने सारे डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा? अब इतने वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को इंटरनेट के थ्रू भेजना किसी भी जगह पे बहुत ही मुश्किल था, लगभग नामुमकिन के बराबर था। तो इन सारे डेटा को फिजिकली एक जगह पे इकट्ठा किया गया, उसके बाद ये पूरा एनालिसिस और प्रोसेसिंग इसका चालू हुआ। स्ट्रे रेडियो फोटॉन्स, नॉइस और ये टेलीस्कोप का जो पोजीशन के वजह से एरर था, वो सारे एरर को अकाउंट करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किया गया। इस कारण इस इमेज का डेटा तो 3 दिन में ही आ गया, लेकिन इसको डेवलप करने में 2 साल लग गए। इसी कारण इस पूरा प्रोसेस का इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है और इस पूरे साइंटिफिक दुनिया में, इनफैक्ट हर पब्लिक के नज़रों में एक अलग ही धूम मची हुई है, एक अलग ही उत्साह का माहौल है कि ब्लैक होल का पहला इमेज मिल गया है। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये ऐसा है मानो हम धरती पर रहते हुए चंद्रमा के सतह पे एक छोटा सा गोल्फ बॉल ढूंढ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स और कितना मुश्किल काम था जिसे हमारे होनहार फिजिसिस्ट ने अंजाम दिया। अब पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे और ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो इसमें। प्रोफेसर दास जो कि एकमात्र भारतीय फिजिसिस्ट हैं जो ब्लैक होल शेडो इमेजिंग में इन्वॉल्व थे, उनका कहना है इन सारे टेलीस्कोप्स ने जिस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके डेटा को कैप्चर किया है, वो जगदीश चंद्र बोस द्वारा भारत में 100 साल पहले ही बंगाल में डेवलप कर लिया गया था और उसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए ये सारे इमेज के डेटा को कैप्चर किया गया है। फेमस फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि ब्लैक होल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ब्लैक होल के अंदर की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा एक और वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम ये हाई क्वालिटी वीडियोस किस इक्विपमेंट्स को यूज़ करके तैयार करते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वैज्ञानिकों के इस विशालकाय अचीवमेंट का हर इंसान को पता चल सके। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।